देखिए वो जो मैंने स्प्रे लगाया था उसका रिव्यू मैंने पूरा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्मीज वलयन। तो आज इस पार्सल का मुझे बहुत इंतज़ार था, फाइनली आ गया। मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से हेयर हीट प्रोटेक्शन मिस्ट कैटिन का। ये 200 ml की बॉटल है। ये मुझे कुछ तो देखिए प्राइस तो यहाँ पे 450 है, पर मुझे अराउंड 300 rupees में मिला है आफ्टर डिस्काउंट। और ये इतना सुपर्ब है, आगे पूरा रिव्यू देखना, मैंने पूरा शेयर किया है। और इसका देखिए पुश बटन ऐसे ऊपर से नहीं खोलना है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, ऐसे आजू बाजू से पुश करना है। जब भी नहीं चाहिए तो फिर से ये साइड पुश करेंगे तो लॉक हो जाएगा। तो आगे देखिए पूरा रिव्यू। वेलकम टू मम्मीज वाला यान। तो आज मेरा बहुत सुंदर प्रोडक्ट आया, हस्बैंड वहाँ पे पीछे काम कर रहे हैं, तो ये वाला आपने अनबॉक्सिंग तो देख ही ली होगी। ये है कैटिन का 100% प्लांट बेस्ड हीट प्रोटेक्शन, क्योंकि मेरे बाल मैं हमेशा स्ट्रेट करते रहती हूँ, कहाँ पे भी फंक्शन में जाती हूँ, तो मुझे लेना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए देखते हैं इसका शाइन भी कैसे। ऑलरेडी मेरे बाल थोड़े शाइनी है, पर थोड़े से फ्रीजी है पीछे पीछे से। और मेरे पास है ये मेरा रॉयल लग्जूरियस, ये है आइकॉनिक की मशीन। देखो कितनी गंदी हो गई क्योंकि मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है। तो ये ऐसी मशीन आती है, बहुत अच्छे से पैकेजिंग में आती है, तो मैं हमेशा उसको अच्छी तरीके से रखती हूँ क्योंकि मेरी बहुत महंगी मशीन है। इसको निकाल लेती हूँ मैं पहले। ये देखिए ये मशीन, ये है मशीन आइकॉनिक की। इसका मैंने डिटेल रिव्यू शेयर किया है, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। तो अभी इसको फटाफट पहले मैं एक शेक करती हूँ। ये है एक्स्ट्रा शाइन वाला है, इसमें ओनली प्योर हर्ब्स है 100% और सारे प्रोडक्ट्स है, ये देख सकते हो। विटामिन ई है, क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स फॉर ही हेयर हीट स्टाइलिंग है, ऑल हेयर टाइप्स के लिए है। और देखते हैं अभी इसे। और ये 2 साल चलने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग इसका 2023 है, तो मुझे 2025 के एंड तक चलेगा। इसको ये करके और इसका स्प्रे भी ना ऐसे काफ़ी अच्छा है। मैंने अच्छे तरीके से ये वाला लगा लिया है, तो चलिए अभी फटाफट स्ट्रेट करते हैं बालों को। चलो तो अभी फटाफट स्ट्रेटनिंग कर लेते हैं। और ये अभी मेरे छोटे बाल हो गए हैं ना, तो मुझे बहुत फटाफट हो जाता है। अभी तो मैं एकदम फ़ैन हो गई हूँ मेरे छोटे बालों की। पहले मुझे बड़े बाल इतने पसंद थे, पर मुझे स्ट्रेटनिंग करने में सब में बहुत दिक्कत आ रही थी और मैं थोड़ा बोर भी हो गई थी, इसके लिए फिर मैंने छोटे बाल कर दिए। मेरे तो बाल बहुत जल्दी बढ़ भी जाते, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो जल्दी अभी और बढ़ भी जाएंगे। पर मुझे अभी है कि मैं बस छोटे बालों में ही रहूँ, मुझे बहुत कम्फर्टेबल लगता है हेयर वॉश करने में भी, हेयर मेंटेन करने में भी। तो अभी मैंने सिर्फ 190 सेल्सियस पे ही कर रही हूँ, फिर भी इतना फटाफट होता है ये मशीन से। अगर 200 सेल्सियस पे करोगे तो और जल्दी फटाफट हो जाएगा। और ये ऑटोमेटिक ये हो जाती है मशीन, इसका तो डिटेल रिव्यू भी मैंने शेयर किया है, पर अगर बहुत गर्म हो गई तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है मशीन। बहुत बहुत अच्छी मशीन है ये मशीन। तो मैं विदाउट हीट प्रोटेक्शन के भी मैं यूज़ किया है, पर मेरे बाल बिल्कुल भी झड़े नहीं है। पर ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया कि बार बार अगर करना हो तो फिर उससे अच्छा एक बार ले लो, इन्वेस्ट कर लो, तो हम कभी भी इन द स्पॉट कर सकते हैं स्ट्रेटनिंग। तो वो मुझे ऐसे थोड़ा पहले ये हो जाता था कि बाल फिर से झड़ेंगे, पर हुआ तो होता कुछ भी नहीं है, पर फिर भी एक सेफर साइड के लिए मन में तो आता ही है ना, तो उसके लिए मैंने इस बार ले लिया। तो मस्त इतना देखो कैसे फटाफट 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 हो रहा है। और देखिए 5 से 6 मिनट लगा मैंने जब शूट करते वक्त टाइमिंग देख लिया, तो देखिए मैं बता रही हूँ स्ट्रेटनिंग करके बाल कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए कितने फ्रीजी लग रहे हैं बाल। और ये इतना मस्त स्ट्रेटनिंग मशीन है, सुंदर लग रहे हैं मेरे बाल। ये मैंने हेयर कट करने के बाद आज बहुत टाइम बाद मैंने हेयर स्ट्रेट किया, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ, बट बोला ये लाया तो करती हूँ क्योंकि मुझे अभी फिर से करना है क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी आ रही है। तो चलिए इसको अभी थोड़ा सा लगाती हूँ मैं क्योंकि शाइन के लिए। शाइन तो दे रही है पर मुझे इतना नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा हल्का सा बोल सकती हूँ मैं शाइन। अभी मैंने इतने ठीक से भी स्ट्रेट नहीं किए क्योंकि मैंने जस्ट दिखाने के लिए, अदरवाइज मैं बाद में अच्छे से करूँगी एकदम। पर काफ़ी अच्छे लग रहे बाल देखिए। और पहले इसको बंद करती हूँ। और दूसरी बात कैसी है कि मेरे बाल तो ऑलरेडी स्ट्रेट ही है, थोड़े से अभी फ्रीजी हो गए क्योंकि मैं ऑलवेज ऐसे ऊपर टाई करके रखती हूँ, बट मेरे बाल वैसे सिल्की है, स्ट्रेट है, पर मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती। मेरा सिर्फ 5 से 7 मिनट में स्ट्रेटनिंग हो गया है
क्योंकि मेरे छोटे बाल है इसके लिए। और अभी मुझे सिर्फ देखना है कि मेरे बाल अभी मतलब ये करने के बाद झड़ दे कि नहीं, क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी थोड़े से शाइनी है ही, मतलब मेरे काले घने बाल है तो, बट है शाइन दे रहा है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। अभी इसका रियल टेस्ट देखना है कि ये एक्चुअल में रियल हीट मतलब प्रोटेक्ट करता है कि, क्योंकि बाल धोने से ही समझेंगे, क्योंकि मेरा हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होता है, होता है तो भी थोड़ा सा ही होता है हेयर फॉल मेरा, अब मेरे बाल देख सकते हो। अभी देखते हैं, थोड़ा टाइम के बाद मैं अगेन रिव्यू शेयर करूँगी कि मैंने स्ट्रेट किया था। तो देखिए यहाँ से अभी मैंने ठीक से अच्छे से नहीं किए, पर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अभी मुझे करना है कर्ल करके, कर्ल करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे कर्ल करना आता नहीं है, मैं देखती हूँ कर्ल करके, मुझे इतना कल करने नहीं आता है। दूसरा इससे ट्राई करती हूँ। ओह देखिए, तो मुझे कल नहीं करना है, पर मैंने जस्ट ऐसे ही देखा कल करके। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।